सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले बीएसएफ भर्ती 2020। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है सोल्जर जीडी की पोस्ट निकली है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, और 1250 जॉब इसके अंदर हैं। ठीक है, तो मैं डिक्लेयर बताता हूँ, इसके अंदर जो है 1250 पद हैं, तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा जिनकी जिनकी जो है यहाँ पर कंटेंट मिलेगी। ठीक है, तो कंटेंट मिलने का मतलब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारा कुछ आपका मिलता जुलता रहेगा, तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं 10वीं पास है और 12वीं पास दोनों के लिए। ठीक है, लास्ट डेट 5 नवंबर 2020 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत बहुत खोज के मैं निकालता हूँ वैकेंसी। ठीक है, तो बस वीडियो को फिर बने रही है और 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो 100 शेयर का भी टारगेट है, तो आप शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं dailynaukri.com पे यहाँ पर वेबसाइट है, ये भी ट्रस्ट वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2020 149 पद है। ठीक है, ऊपर में और नीचे भी एक पद है, जो कि इसके अंदर भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंदर है। लगभग यहाँ पर जो है 1250 पद के अंदर है। सबसे पहला पद यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th पास है और डिप्लोमा है। ठीक है, लोकेशन एनीवेयर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है। यानी कि एज लिमिट बात करते हैं, यहाँ पर डिटेल्स से आपको बताया गया, लास्ट डेट जो है 23/10/2020 है। इसके अंदर जो लास्ट डेट 23/10/2020, और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है भी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर 0 to 2 years रखा गया। तो इसके पहले हम व्यू एंड अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे व्यू पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर देख सकते हैं SI वर्क 26 पोस्ट है, जिसके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। JEE और SI का इलेक्ट्रिक पोस्ट है, जिसके अंदर 26 पोस्ट है, और इसके अंदर भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट्स के पद हैं, जो कि 10 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिक, ये बहुत अच्छी जॉब है। ASI की जॉब जो होती है, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट की जो जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, इसके अंदर भी 3 साल का आपका डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टेबल, जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टेबल GD के पोस्ट भी है, जिसके अंदर कोबलर मेल के लिए जो है वहाँ पर 65 पद हैं, और जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्समैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जाकर बनवा भी सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद टेलर, जो कि यहाँ पर ट्रेडमैन के जो होते हैं सिटी ट्रेडमैन, जो कि यहाँ पर 10 पद हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ही कम इसके अंदर पद है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 25 साल होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, और एयर विंग्स कैडेट के लिए यहाँ पर जो होना चाहिए वो 18 से 28 साल, और ट्रेड्समैन पद की जो है 18 से यहाँ पर 23 साल के होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर जो तीनों के अंदर आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन करना एप्लीकेशन, फ़ीस आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। ठीक है, ऑफिशियल एडवाइजर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो है हमारा जो है नेक्स्ट भर्ती के बारे में आपको बताते हैं, जिसके अंदर BSF के अंदर जो निकली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट में हमारा जो है यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पद है। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको क्लिक करके बताता हूँ पूरी डिटेल्स में। तो यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के जो पद हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी पद है। ठीक है, और इनका जो लास्ट डेट है वो 20/10/2020 है। तो जल्दी से अप्लाई करना मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और देख सकते हैं इंस्पेक्टर के पद हैं, और इनके अंदर मेल एंड वोमेन दोनों के लिए, और एज रिलेक्शन भी आपको मिल जाएगा। मेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 165 चाहिए, और वोमेन के लिए 157। चेस्ट की बात करें यहाँ पर, चेस्ट यहाँ पर नॉट मेंशन है। ठीक है, और इसके सब इंस्पेक्टर की पद है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर, इनके अंदर आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा डिप्लोमा वाला। ठीक, हेड कांस्टेबल की पद है, जिनके अंदर आपको भी यहाँ पर मैट्रिक की जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल ये आपको डिप्लोमा वाला है। ठीक है, और हेड कांस्टेबल यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर, इनके लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है जो निकली है जॉब्स, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, हेड कांस्टेबल कारपेंटर मेसन पंप ऑपरेटर, ये सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वेल्डर के लिए भी यहाँ पर है एक पद, और इसके साथ यहाँ पर हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए है। इन सारे पद के लिए आपको जो मैक्सिमम एज चाहिए वो 56 साल, इंस्पेक्टर के लिए चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 52 साल। यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को पसंद करते हैं और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, और कोई भी जानकारी लेना नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।